एनडीए सांसदों के भी वोट मिले हैं। 99 गैर एनडीए सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुल 540 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है और अगर वोट वैल्यू की बात की जाए तो 3,78,000 ये वोट वैल्यू हो जाती है और यही वजह है कि यशवंत सिन्हा के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू कहीं आगे निकल चुकी है। लेकिन 99 गैर एनडीए सांसदों ने वोट दिया, ये अपने आप में विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि विपक्ष लगातार इसी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी एकजुटता को अब कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा था, उसके फैक्ट चेक की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि 99 गैर एनडीए सांसद जो हैं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किए हैं। 441 सांसदों वाले एनडीए के कैंडिडेट्स को कुल 540 वोट मिले, यानी कि 99 वोट ज्यादा हैं। ये बड़ा झटका कहा जा सकता है विपक्ष के लिए क्योंकि लगातार विपक्ष की एकजुटता को हवा देने की कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भरसक की गई विपक्ष की ओर से। जी, आपने सही कहा कि जो कोशिश थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है, जो अपोजिशन की एकता थी, क्योंकि जो वोट मिले हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि जो गैर एनडीए करीब 99 सांसदों ने वोट किया है द्रौपदी मुर्मू को और उसमें जो संख्या बताई जा रही है कि उसमें करीब करीब जो जेएमएम के हैं, वाईएसआर कांग्रेस हैं, बीएसपी हैं, इसके अलावा शिवसेना है, इन तमाम सांसदों ने वोट किया और इसके अलावा मुझे लगता है जो क्रॉस वोटिंग भी कई जगह पे हुई है उसका भी नतीजा है कि 99 अतिरिक्त वोट मिला है एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। ये एक बहुत बड़ी बात, जो अंतरात्मा की आवाज की बात बार बार यशवंत सिन्हा कह रहे थे तो अंतरात्मा की आवाज सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जो सांसद है जो कि यूपीए के पक्ष में या फिर गैर एनडीए के जो सांसद थे उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और उनको लगा कि देश में पहली बार कोई ट्राइबल एक देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मतदान किया है, वोट किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि 99 सांसदों ने वोट किया है। आप कह सकते हैं कि जो एनडीए के उम्मीदवार जो कि गैर एनडीए के सांसद थे उन्होंने वोट किया है, तो ऐसे में बहुत बड़े मार्जिन से आगे बढ़ गई है। और विधायकों की भी जो बात की जा रही है तो विधायकों में भी बड़ी संख्या में आप देखिएगा कि क्रॉस वोटिंग मिलेगा, खासकर बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो ट्राइबल विधायक हैं वो भी कह रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि क्योंकि उनको उनके उनके कम्युनिटी से पहली बार कोई रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, एक ऐसे समाज से जो कि मुख्य धारा से कटा हुआ है उसको एक सर्वोच्च पद पे मौका मिल रहा था, तो ऐसे में जो तमाम जो ट्राइबल विधायक हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टीज की जो बात थी उसको छोड़कर, यशवंत सिन्हा को छोड़कर वोट किया है। तो अब देखिएगा जब नतीजे आएंगे विधायकों के तो उसमें भी दिखेगा कि जो एनडीए के नंबर्स हैं उससे बड़ी संख्या में ज्यादा मत जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि करीब 99 सांसदों ने अपने मत पार्टी को छोड़कर एनडीए के समर्थन में मतदान किया। अब अमित, शुरू से ये कहा जा रहा था जब द्रौपदी मुर्मू के नाम को अनाउंस किया गया था एनडीए की ओर से कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक पर मोहर ये 99 सांसदों का वोट लगा देता है क्योंकि सर्वमान्य नेता के तौर पर द्रौपदी मुर्मू सामने आई और खास तौर पर वो दल भी सामने आए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो किसी राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे। जी हाँ, देखिए क्योंकि मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी है क्योंकि उस समय जिस समय यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया गया तो उस वक्त हो रहा था कि जो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है उनके नाम के चयन में जेएमएम भी था और तमाम दूसरे दल थे, लेकिन शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे गुट है उनका भी समर्थन हासिल था, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू नाम सामने आया इसके बाद से बहुत ही मुश्किलें हुई, जो विपक्षी एकता थी एक एक करके टूटने लगी। जेएमएम जो कि खुलकर समर्थन कर रही थी उसको इस बात का एहसास हुआ क्योंकि झारखंड जो कि एक ट्राइबल राज्य है वहां पे अगर वो यशवंत सिन्हा को समर्थन करते हैं तो फिर उनका जो बेसिक बेस वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा क्योंकि जेएमएम का बेस वोट जो है वो आदिवासी है, ट्राइबल है।